ये देखिए किस तरीके से श्रीलंका में लोग सड़कों पर आ गए। हालांकि कर्फ्यू भी बीच में लगा दिया गया था, लेकिन उस कारण से भी लोग सड़कों पर थे। चीजों की किल्लत है, लंबी लंबी कतारें हैं, लोग चीजों को स्टोर भी कर लेना चाहते हैं लेकिन चीजें मिल नहीं रही हैं। ग्राउंड जीरो आपको ले चलते हैं, हमारे साथ तो विशाल मौजूद हैं। विशाल, दो रिपोर्ट्स मैंने आपकी देखी, अखबार भी कह रहे हैं आर्थिक आपातकाल है, चीजें जो है फिलहाल मिल नहीं रही हैं। इस वक्त स्थिति क्या है, आम लोगों से आपकी बात हो पाई और फिलहाल कोलंबो में क्या आर्थिक हालात है? सचिन, देखिए इस वक्त मैं कोलंबो शहर में मौजूद हूं और जो तस्वीरें यहां पर हम देख रहे हैं उससे यह पता चल रहा है कि कितने मुश्किल दौर से श्रीलंका के लोग गुजर रहे हैं। इस वक्त मैं एक एलपीजी गैस सेंटर के बाहर मौजूद हूं और यहां पर एक लंबी लाइन दिख रही है एलपीजी गैस को रिफिल कराने के लिए। लोग सुबह से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो महिलाएँ हों, बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, बुज़ुर्ग लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ डीजल की दिक्कत है, पेट्रोल की दिक्कत है, यहां रसोई गैस की भी एक बहुत बड़ी समस्या लोगों के बीच में फिलहाल दिखाई दे रही है। और इस वक्त अगर हम आपको दिखाएं, ये पूरी लाइन यहां पर एक लंबी लाइन आपको दिखाई पड़ेगी, लोग यहां पर वेट कर रहे हैं पूरा रसोई गैस के लिए और काफी दिनों से भी कई लोग वेट कर रहे थे और आज सुबह से आकर यहां इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें कम से कम घर चलाने के लिए रसोई गैस एक बार रिफिल करा लें, क्योंकि डीजल की दिक्कत है, केरोसिन की दिक्कत है जिसके इस्तेमाल चूल्हा जलाने के लिए किया जाता है सचिन। और यहां पर लगभग 1,000 रुपए बढ़े हैं रसोई गैस के दामों में, भी बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने जो लोगों से बातचीत की थी उन्होंने बताया पहले 1,600 रुपए में रिफिल कराते थे, आज 2,600 रुपए में रिफिल कराया जा रहा है। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू ऑल आर फेसिंग हियर? होल थिंग इज नो गैस, डीजल नो, फूड्स नो, children is very very sensitive. What are the rates of LPG gases and rice, milk and 12.5 is 2700. Okay. 5 kg is 1017. So what do you think, what are the main reasons behind this crisis? Politics are this big problem here. Okay. Everything is politics. Politics. Yes. No. No organization. No. Corruption. Corruption. So every political come in with corruption. Yeah. That's commissions. So what's your demands right now to the government of Sri Lanka? Change. Everything is change one. Change. Huh. Yes. President. Prime Minister. Everything is okay. This is fine. 225. All is going to the home. Okay. Yes. तो आप देखिए यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा सचिन महंगाई है, कह रहे करप्शन के कारण ये हालात यहाँ पर हुए, जैसा कि स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कैसे पॉलिटिक्स के चलते यहाँ पर मौजूदा स्थिति पहुंची है श्रीलंका में। यहाँ पर हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे, क्योंकि एक लंबी लाइन है, मैं आपको एक बार जो रेट कार्ड्स यहाँ पर लगे हैं वो भी आपको दिखाते हैं, जो एलपीजी गैस को रिफिल कराने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। लिट्रो गैस है श्रीलंका के कोलंबो शहर में, जहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं, आपको बच्चे भी लाइन में दिखाई देंगे और भी लोग यहां आपको लाइन में दिखाई देंगे। और देखिए यहां पर एक रेड कार्ड भी लिखा गया है, आपको मैं दिखाता हूं कि 2675 रुपए का 12.5 किलो का एक गैस रिफिल होगा यहां पर, ये श्रीलंकन करेंसी में है, और 5 किलो का 1071 रुपए में। और ये रेट पहले यहां पे 1600 रुपए का था, जो 2675 रुपए में अब गैस को रिफिल किया जा रहा है। यानी कि अब सचिन इन स्थितियों को, इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि श्रीलंका अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है आजादी के बाद से। और लोग यहां पर ये चाहते हैं कि पहले जैसे हालात हो, बहुत ज्यादा महंगाई ना हो, डीजल, केरोसिन, एलपीजी गैस के लिए लोगों को इस तरह कतार में ना खड़ा होना पड़े, क्योंकि मैं सड़कों पर देख रहा हूं जहां भी वहां आपको एक लंबी लाइन दिखाई पड़ेगी और महंगाई से लोग बहुत ज्यादा यहां पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। खाने पीने की किस तरीके से कंट्रोल होता है, भारत से मदद मांगी गई है, भारत हमेशा से जो है श्रीलंका का साथ देता रहा है, आप देखना यह कि कितनी जल्दी ये क्राइसिस कंट्रोल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।